आज हम बेसिकली क्या सॉल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ओके इससे बहुत सारे एंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो वी लुक फॉर दैट एंड सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स तो आज का हमारा मेजर पार्ट जो रहेगा दैट विल बी सोली सोली डेडिकेटेड ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ओके स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं ओके okay.

तो फॉर कैलकुलेटिंग द मोलार मास हमें इंडिविजुअल एटम्स का मास पता होना चाहिए ये yes? चलो लिख लेते हैं पहले हम सबके मासस लिख लेते हैं एटॉमिक एटॉमिक लिखते हैं लिख लेते सबके एटोमिक मास चलो हाइड्रोजन का लिखना होगा ऑक्सीजन का लिखना होगा ओके हाइड्रोजन ऑक्सीजन देन कार्बन ऑक्सीजन का हम लिख लेंगे ऑलरेडी कार्बन अगेन एंड हाइड्रोजन ओके चलो हाइड्रोजन का कितना होता है वन यस ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का टेल मी सिक्सटीन यस कार्बन का कितना होता है जल्दी से बताओ. इट ये हमने एटॉमिक मासेस लिखी है अब हम कैलकुलेट करेंगे इनके मोलार मास ओके चलो लेट्स हाइड्रोजन का कितना होगा हाइड्रोजन का वी हैव वन है ना तो वन लिख देते हैं लेकिन कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के टू तो इसको इंटू टू करेंगे है ना नाउ हाइड्रोजन का हो गया प्लस तो वील हैव द साइन ऑफ प्लस एंड ऑक्सीजन का कितना है 16 ओके स्टूडेंट्स सो व्हाट विल वी गेट टू इंटू वन टू प्लस सिक्सटीन हाउ मच वी हैव 18 ग्राम्स एज द मोलार मास ग्राम पर मोल ले लो यूनिट होता है ये इसका ग्राम पर मोल मतलब इतने इतने ग्राम्स प्रेजेंट है पर मोल ऑफ द सब्सटेंस पर मोल ऑफ द सब्सटेंस मींस वन मोल ऑफ सब्सटेंस में हाउ मेनी ग्राम्स एटीन ग्राम्स ऑफ एच टू ओ इज प्रेजेंट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोल क्लियर स्टूडेंट्स चलो मूविंग ऑन आई होप इतना क्लियर है आगे देखते हैं आगे किसका देखना है हमें सीओ टू ओके लेट इज सी फॉर सीओ टू एंड हमें किसका देखना है सी एच फोर का ओके सी ओ टू का देखते हैं पहले वट इज इट टीन इंटू टू क्यों किया बिकॉज वी है इट विल बी फोर्टी फोर ग्राम्स पर मूल विल बी दूल आर मासन आई होप है नेक्स्ट देखते हैं सी एच फोर का सी एच फोर ओके कार्बन का ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन का वन कितने हैं फोर हैं तो इंटू फोर कर दिया व्हाट डू वी गेट ट्वेल्व प्लस फोर ये स्टूडेंट वट डू वी गेट सिक्सटीन सिक्सटीन ग्राम्स पर मोल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू इजी था देख लो एक बार कॉन्सेप्ट ओके okay, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट कैलक्यूलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स कल बताया था ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स किसके लिए यूज करते हैं इट इज यूज फॉर मोल अगर कभी भी क्वेश्चन में बोला है कि ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है बेटा वॉट डज इट मीन की हमें वो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स चलो देखते हैं कैलक्यूलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल इन एट ग्राम्स ऑफ सल्फर ओके एट ग्राम्स ऑफ सल्फर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले वट वी सी वील कैलक्यूलेट ग्राम एटम्स फर्स्ट ग्राम एटम्स ओके एंड देन वील कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल्स ठीक है क्लियर चलो इतना देख लो पहले रजिस्टर कर लो देन हम आगे बढ़ते हैं चलो अब नंबर ऑफ मोल्स ग्राम एटम्स मतलब क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है वो हमें नंबर ऑफ मोल्स यहां पर भी हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स यस स्टूडेंट्स चलो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वेट गिवन वेट जो भी क्वेश्चन में गिवन है अपॉन दी दोलिकुलर वेट मोलिकुलर मास या मोलार मास कह लो मोलार मास ऑफ कंपाउंड चलो मोलार मास लिख लेते हैं गिवन मास या गिवन ओके गिवन वेट की जगह मास लिख लो बेटा गिवन मास जो भी क्वेश्चन में गिवन है अपॉन दी मोलार मास मोलार मास ओके क्लियर? चलो। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये एन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एन इज द नंबर ऑफ मोल्स एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये स्टूडेंट्स चलो लेट्स सी गिवन मास कितना है Given mass कितना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का molar mass कितना होता है? मुझे बताओ. सल्फर का molar mass कितना थर्टी टू ये स्टूडेंट थर्टी टू होता है तो एट अपॉन थर्टी टू विल गिव दंबर ऑफ मोल्स ओके That is in grams of atoms. ना? अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं देखो हमें पता है अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे एटम मतलब क्या होता है सिंगल आइटम लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है वॉट डू बी से एस एट एस एट लिखते हैं सल्फर का तो चलो ग्राम मोलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलक्यूलेट करेंगे गिवन मासम तो रहेगा एट अपॉन अपॉन बेटा इसका मोलार मास हम निकालेंगे व्हाट विल इट बी इट विल बी थर्टी टू जो होता है इन टू एट होगा इंटू एट होगा बिकॉज कंबाइंड टू फॉर्म अ मोलिक्यूल ऑफ सल्फर है ना तो ये कितना हो जाएगा एट टू जिक्सटीन कैरी ऑन वन एट थ्री जवेंटी फोर ट्वेंटी दिस विल बी दोलार मास ऑफ फ यहां मैं टू फिफ्टी सिक्स लिख दूके चलो वेन दीज सॉल्व दीज वट विल बी गेट एट फोर जटी टू वन बाय फोर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव मोज दिस इज अंसर फॉर ग्रैम एटम्स क्लियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू And here when we calculate we'll get 0.03 moles. Clear students? chalo itna dekh चलो इतना we'll move ahead i hope itna clear इतना sabko है सबको चलो आगे बढ़ते हैं सी क्या कैलकुलेट करना है वी हैव टू कैल्कुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 45 फाइव ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है एन का फॉर्मूला क्या होता है इट इज मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास ओके? स्टूडेंट्स, गिवन मास अपॉन मास। चलो लेट्स सी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 45 ग्राम्स नाइट्रोजन 45 ग्राम्स नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे गिवन मास कितना है 45 अपॉन मोलार मास कितना होगा नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स एंड टू का मोलार मास कितना होगा फॉर नाइट्रोजन वी हैव द मोलर मास एज टेल मी दिस इज द एटॉमिक मास देखो ऐसे लिख लो चाहे मान लो राइट इट लाइक दिस है ना 14 एंड 7 इज द एटॉमिक नंबर 14 इज द एटॉमिक मास ओके चलो 14 इंटू टू वट डू वी गेट ट्वेंटी एट है ना तो ये इसका मोलान मास आ गया ट्वेंटी एट वेन बी कैल्कुलेट दिस वट डू वी गेट टेल मी वन पॉइंट सिक्स अप्रोक्सीमेटली मोल्स क्लियर चलो ये देख लो देन बील मूव ऑन इतना देख लो आई होप इतना क्लियर है सबको चलो आगे चेक करते हैं अगेन किसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं 250 फिफ्टी ग्राम्स ऑफ एच टू एसओ फोर के गिवेन मास्क कितना है 250 नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं अब हमें एच के है ना 250 g में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं तो वी विल राइट एज गिवन मास कितना है 250 अपॉन मोलर मास किसका H2SO4 का H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं चलो हाइड्रोजन 2 1 समझ आ गया क्यों 1 इसका एटॉमिक मास एंड टू इज द नंबर ऑफ एटम्स प्लस 32 यस 1 ही होगा बिकॉज़ एक एटम है प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मास 16 इन एटम्स फोर है ना तो व्हाट डू वी गेट टू प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटीन फोर जॉ सिक्सटी राइट स्टूडेंट्स नाउ इसको जब ऐड करेंगे 64, 32 एंड 2, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 98, एट नाइन्टी एट इज नाइन्टी एट ग्राम्स पर मोल इज इट्स मोलर मास है ना यहीं पर नाइन्टी एट रख देंगे येस स्टूडेंट्स वेन वील कैलकुलेट दिस वट इज द वट इज़ द आंसर दैट वील गेट इज टू पॉइंट फाइव फाइव मोल्स ओके कैलकुलेट करके देखना वील गेट इट एज टू पॉइंट फाइव फाइव मोल्स आई हैव सॉल्व दीज फॉर यू ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे टू पॉइंट फाइव फाइव मोल्स क्लियर क्योर टू ऑल ऑफ यू चलो ये देख लो देन वील मूव ऑन Clear? चलो आगे बढ़े वट इज इट द मास ऑफ पॉइंट वन मोल ऑफ फॉलोइंग है ना पॉइंट वन मोल में निकालना है मास वन मोल में तो हमें पता है कितना होगा देखो कल कल बताया था या नहीं यहां पर जो यूज होगा बेटा वो होगा वन मोल इज इक्वल टू कितना ग्राम मोलिकुलर मास ले लें क्योंकि सारे ही मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर बस ग्राम एटॉमिक मास आएगा इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास अब मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे तो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा है हाँ ना लेकिन दिस इज एटम तो इसके लिए व्हाट विल बी से ग्राम एटॉमिक मास ओके इसको मैं पूरा सम अप करके ऐसे बोलती हूँ ग्राम स्पीशीज मास जो भी स्पीशीज है मॉलिक्यूल है एटम है आयन uh, है एनीथिंग ओके मॉलिक्यूल रहे एटम रहे आयन रहे वी आई आई कॉल इट एज ग्राम स्पीशीज मास मतलब जो भी मॉलिक्यूल है एटम है उसको मैं सिंपली स्पीशीज बुला लेती हूं ओके okay? चलो अब देखते हैं तो ये यहां पर यूज होगा हमारा फॉर्मूला कल देखा था हमने दिस विल बी यूज टूडे ओके चलो लेट्स सी क्या है देखो CaCO3 का हमें क्या कैलकुलेट करना है मास लेकिन मास किस में कैलकुलेट करना है पॉइंट वन मोल में ओके okay? तो चलो हमें पता है पहले हम CaCO3 का मास कैलकुलेट करते हैं चलो लेट्स सी आई एम डूइंग द फर्स्ट वन स्टूडेंट्स फर्स्ट वन CaCO3 ओके इसका मास कितना होगा कैल्शियम का कितना होता है टेलमी फोर्टी यस कार्बन का कितना होता है बेटा सी है कैल्शियम फोर्टी कार्बन 10 कार्बन ट्वेल्व ओके प्लस ऑक्सीजन सिक्सटीन थ्री सा फोर्टी एट हो जाएगा सिक्सटीन इंटू थ्री ओके नाउ वेन वी गो ऑन एडिंग इट वॉट डू वी गेट फोर्टी प्लस फोर्टी एट एंड ट्वेल्व टेन फोर 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 एट हंड्रेड ओके

नाउ वी नो दैट वन मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुल तो क्या मैं इसे लिख सकती हूं वन मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास यहां कितना है हंड्रेड ग्राम्स मतलब कि इससे क्या प्रूफ हुआ कि वन मोल ऑफ सी ए सीओ थ्री मोलिक्यूल में कितने ग्राम्स प्रेजेंट है हंड्रेड ग्राम्स हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सी ए सी ओ थ्री मोलिक्यूल इज इक्वल टू वन मोल ठीक है सौ ग्राम इज इक्वल टू वन मोल अब आगे क्या देखेंगे हमें वन मोल में कैलकुलेट करना है क्या नहीं हमें करना है पॉइंट वन मोल में कैलकुलेट ओके okay? तो पॉइंट वन मोल में कितना होगा अगर वन मोल में जो मास है वो हंड्रेड ग्राम्स है तो पॉइंट वन मोल में कितना होगा एक्स मान ले अब यहां से मेथड कर लेते हैं है ना यूनिटरी मेथड कर लेते हैं व्हाट डू वी डू x इंटू वन मोल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x मोल यस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है है ना अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो x इज इक्वल टू पॉइंट वन इंटू हंड्रेड अपॉन वन आ जाएगा वन मोल ये वाला टेल मी ये भी मोल में है ना दिस इज़ इन मोल दिस इज़ इन मोल यस ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा दिस इज इन ग्राम्स राइट चलो देखते हैं तो हंड्रेड इंटू पॉइंट वन करेंगे हंड्रेड इंटू पॉइंट वन करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा कितना मिलेगा या इसको हटाओ डेसिमल. ये नीचे टेन लिख लो एक से एक ज़ीरो गया एंड नाउ वट वी हैव टेन ग्राम्स क्लियर नाउ दिस टेन ग्राम्स जो हमें मिला है ये किस में प्रेजेंट है बेटा देखो वन मोल में कितना प्रेजेंट था ग्राम मोलिकल टू ग्राम मोलिकुलर मास ग्राम मोलिकुलर मास कितना था टेलमी टेलमी ग्राम मोलिकुलर मास कितना आया था हंड्रेड ग्राम्स है ना तो अगर पॉइंट वन मोल में निकाल रहे हैं तो हाउ मच आर बी गेटिंग इट इज टेन ग्राम्स इजी आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो आगे बढ़े देख लो नोट डाउन कर लो बढ़ते हैं फिर आगे ओके okay, चलो मूविंग ऑन देखो इसी को हम इरेज करते हैं वी हैव टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन एज वेल सी है स्टूडेंट सेकेंड क्या है एन ए टू एस ओ फोर डॉट टेन एच टू ओ में निकालना है इट तो पहले हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे ग्राम मोलिकुलर मास एन ए टू एस ओ फोर डॉट टेन एच टू ओ इजेंट इट स्टूडेंट्स यस इसका ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो सी फटाक से करेंगे ट्वेंटी थ्री इंटू टू स्टूडेंट्स ट्वेंटी थ्री इंटू टू प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इंटू फोर ओके प्लस ये यहाँ इसका डॉट का मतलब क्या है प्लस ही करना है सिंपली टेन अब यहाँ टेन है राइट एंड इसका मास वील टेक एज अ होल एटीन एच ओ का कितना होता है एटीन होता है ये स्टूडेंट चल आगे देखते हैं थ्री टू 6 टू टू 4 फोर फोर्टी सिक्स प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटीन फोज़ा सिक्सटी फोर प्लस वन एटी यस इन सबको हम ऐड करेंगे फोर्टी सिक्स थर्टी टू सिक्सटी फोर वन एटी सबको ऐड कर देंगे व्हाट डू वी गेट सिक्स प्लस फोर टेन प्लस टू ट्वेल्व राइट फोर प्लस वन फाइव प्लस एट एट फोर 5, 6, 7, is a 16, right? 16 plus six three twenty two ओके बेटा three twenty two इज द ग्राम molecular मास दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज ठीक है देख लो चलो इतना देख लो सब लोग क्लियर है अब देखो हमें क्या मिल गया ग्राम मोलिकुलर मास मिल गया we got one mole के लिए one mole is equal to gram molecular mass. वही हमारी पट्टी है ना। बेटा तो यहां पर one mole equal to हमें कितना मिला है थ्री ट्वेंटी टू ग्राम मोल में कैलकुलेट करेंगे जब में तो वट विल वी गेट वील गेट थर्टी टू पॉइंट टू ग्राम्स आप x लेकर भी कर सकते हो मैंने डायरेक्ट कर दिया है पहले जैसे x लेके किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है इक्वल टू x मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वील गेट पॉइंट वन मोल में एन ए टू एस ओ फोर डॉट टेन टू ओ मॉलिक्यूल के कितने ग्राम्स या कितना मास प्रेजेंट है वी हैव इट क्लियर ऑल ऑफ यू अच्छा लेट्स आगे बढ़ते हैं अब सी ए सी एल टू का निकालना है है हाँ ना चलो सी ए सी एल टू का वट डू वी हैव टू कैलकुलेट थर्ड वन सी ए सीएल टू का सबसे पहले हम ग्राम मॉरिकुल मास कैलकुलेट करेंगे क्या कैलकुलेट करेंगे ग्राम मॉरिकुल मास स्टूडेंट्स यस देखो कैल्शियम फोर्टी प्लस क्लोरीन का कितना लेते थे यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास लेंगे है ना थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टू क्योंकि दो एटम्स हैं चलो इसको देखते हैं कितना आएगा वी हैव फोर्टी प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टू वॉट डू वी गेट टू फाइव जो टेन कैरी ऑन वन टू फाइव जो टेन इलेवन टू थ्री जो सिक्स सेवन ओके एंड डेसिमल सेवेंटी वन ठीक है चलो अब इसको जब ऐड करेंगे वॉट आर वी गेटिंग क्लियर क्लियर इतना clear है सबको मोल्स में कैलकुलेट करना है कि कितना होगा ओके ओके आई होप इतना क्लियर है सबको अब आगे देखते हैं ये हमने क्या निकाला है हमारा ग्राम मास बेटा यस नाउ वन मोल में वन मोल में कितना प्रेजेंट है इक्वल टू वन 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 ग्राम्स तो पॉइंट वन मोल्स में कितना प्रेजेंट होगा कितना प्रेजेंट होगा बेटा इलेवन पॉइंट वन ग्राम्स इजेंट इट वाई हम एक्स मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके वील कैलकुलेट एंड देन वील गेट इट एज एलेवन पॉइंट वन ग्राम्स क्लियर चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं इसको नोट डाउन करना है क्या देख लो आई होप इतना क्लियर है ओके okay, बेटा चलो अब मैग्नीशियम का कैलकुलेट करना है ना सी मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है ट्वेंटी स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉब्लम मैग्नीशियम का कितना होता है ट्वेंटी फोर राइट अब ट्वेंटी फोर इसका एटॉमिक मास है या हम इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं बोला था मैग्नीशियम के केस में व्हील कंसिडर अटोमिक मास तो ग्राम अटोमिक मास इज ऑल्सो इक्वल टू वन मोल अब यहां पर ग्राम मोलिकुलर मास की जगह क्या आ जाएगा सिंपली ग्राम अटोमिक मास इज इट ग्राम अटोमिक मास एटम का ले रहे हैं बिकॉज मैग्नीशियम इज एन ऐटम है ना तो वन मोल विल बी इक्वल टू ग्राम अटोमिक मास अब ये अटोमिक मास ही तो है इसका दिस इज इक्वल टू ये फोर्थ क्वेश्चन है फोर एम जी नहीं है ठीक है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर विल बी इक्वल टू वन मोल क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्योंकि ये इसका ग्राम एटोमिक मास है हमें पता है वन मोल इज इक्वल टू ग्राम एटोमिक मास क्या है इसका अब जब 24 है ये वन मोल में तो पॉइंट मोल में कितना होगा पॉइंट मोल में कितना होगा 2.4 पॉइंट ग्राम्स है ना यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके देखना यू विल गेट दिस आंसर ओके क्लियर चलो इतना देख लो देन वील मूव फॉरवर्ड चलो स्टूडेंट्स मूविंग ऑन सी क्या है गिवन सैंपल ऑफ एनी टू कंटेन्स इतने सल्फेट आयन्स इतने सल्फेट आयन्स है क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सोडियम आयन्स नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स एंड वेट ऑफ सैंपल ठीक है यहां पर बात किसकी हो रही है आयंस की नाउ देखो कल हमने क्या देखा था वन मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर देखा था या नहीं दिस वॉज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास एंड दिस वॉज इक्वल टू या ग्राम फॉर्मुला मास या ग्राम यूनिट्स यूनिट्स जो भी है ना ग्राम ग्राम मास या ओके मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स कल ये हमने देखी थी पट्टी ये yes? हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना यूज करना है वन मोल इज इक्वल टू एन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या स्पीशीज जो भी बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल लो चलो है ना ये yes, स्टूडेंट्स तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है देखो गिवन सैंपल कंटेन्स इतने सल्फेट आय राइट हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सोडियम आय तो चलो पहले देखते हैं पहले लेट्स सी पहले क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वन मोल ऑफ एन ए टू एसओ फोर है सल्फेट आयंस एंड कितने सोडियम आयंस कितने बेटा इट हैज सल्फेट आयंस कितने हैं एबोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस तो सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इन टू टेन टू दी पार ट्वेंटी थ्री सल्फेट आयंस है ना सल्फेट आयंस एसओ फोर 2 माइनस ये सल्फेट आयंस का रिप्रेजेंटेशन है ओके okay? और सोडियम आयंस कितने हैं बेटा सोडियम आयंस हैं 2 हाउ मच 6.023 10 टू द पावर 23 2 क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने क्योंकि दो हैं बेटा है ना दो सोडियम एटम्स हैं ठीक है इतना क्लियर है इतना देखो पहले इतना क्लियर है यस, yes, यस। बेटा, yes. तो तो सोडियम आ गए ना हमारे यहां से जब हमने पता ही लगा लिया तो आ गए देखो सी इसको हम थोड़ा सा इलाबरेट करके अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि वन मोल ऑफ एन ए टू एस ओ फोर मोल सल्फेट आयंस है ना ये मोल के टर्म्स में लिख दिया जस्ट वन मोल ऑफ सल्फेट आयंस एस ओ फोर टू माइनस आयंस एंड टू मोल्स ऑफ टू मोल्स ऑफ हाउ मच टू मोल्स ऑफ सोडियम आइन्स यस ठीक है ना वन मोल ऑफ सोडियम आइन में कितने कितने होते हैं देखो वन मोल सोडियम आइन्स में वन मोल सोडियम में कितने होंगे एवोगैड्रो एवोगैड्रो नंबर नंबर ऑफ ऑफ एटम्स एटम्स या एवोगैड्रो नंबर ऑफ यस बेटा लेकिन हमें किसमें निकालना है यहां पर कितने मोल्स प्रेजेंट है टू मोल्स प्रेजेंट है ना तो टू मोल्स का निकालेंगे टू मोल्स के लिए क्या हो जाएगा टू इंटू एवोगैड्रो नंबर टू इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास यही टू इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 पॉइंट जीरो टू द इंटू टेन पार ट्वेंटी बेटा ठीक है दिस मेनी नंबर ऑफ सोडियम आयंस विल बी देयर, ओके दीज मेनी नंबर ऑफ सोडियम आयंस विल बी देर कर लो इसको मल्टीप्लाई सिक्स टू जी गैट इसको जब मल्टीप्लाई करोगे टू थ्री जा सिक्स टू टू जो फोर जीरो टू सिक्स ज ट्वेल्व इतने इन टू टेन टू दार्ट ट्वेंटी थ्री आय ऑफ सोडियम एप प्रेजेंट ओके क्लियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके बेटा डू दिस एज ट्वेंटी थ्री ओके स्टूडेंट इसको ट्वेंटी थ्री कर लो जब 22 दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम सॉल्व करेंगे अब हमने 23 लेकर सॉल्व कर लिया है तो जस्ट मेक दिस करेक्शन ओके यहाँ पर 23 कर लेना 10 टू पार 23 क्लियर ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो आगे देखते हैं नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स फॉर्मुला यूनिट्स किन के लिए आय स्पीशीज के लिए कैलकुलेट करते हैं तो Na2SO4 इस आयनिक स्पीशीज, Na+ और सल्फेट आयन, सोडियम आयन और सल्फेट आयन, सिटेस एन आयनिक स्पीशीज, ठीक है? तो हमें फॉर्मुला यूनिट्स कैलकुलेट करना है अब। देखो ये तो ये वाला जो पोर्शन uh, है, फॉर्मुला यूनिट्स वाला, ये तो बहुत ही होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, देखो। now we'll calculate for number of formula units yahan par what are we taking given sample of sodium sulfate has itne sulfate ions hai na to kya main keh sakti hu one mole sulfate ion kya hota hai so42- one mole sulfate ions में कितने आइए है सिक्स पॉइंट जीरो टू इन टू टेन टू दार्ट ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स ये बेटा अब नाव वट आर वी गेटिंग ह्योर सी एसओ फोर टू माइनस इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द होल फॉर्मूला क्यों क्योंकि ये जो टू माइनस है ये किसके लिए यूज हो रहा है एन ए टू ओके यहाँ पर वी हैव टू एटम्स ऑफ सोडियम जिसका एक का चार्ज कितना है बेटा वन है है ना एंड यहाँ पर सल्फेट है SO4 ये फॉर्मूला होता है पूरा इजंट इट इसका चार्ज -2 होता है यस बेटा इजंट इट इजंट इट क्या ऐसा नहीं है है ना तो सिंस यहाँ पर दो एटम्स होते हैं यस Na2SO4 सो फॉर दिस वी राइट हियर एज 2- क्लियर चलो अब वन मोल सल्फेट आयंस में इतने वन मोल सल्फेट एसओ फोर टू माइनस में इतने स्पीशीज प्रेजेंट हैं हमारे पास ओके नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द दमूला यूनिट्स तो वो भी इतने ही होंगे इट विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू इन टू टेन टू यूनिट्स थ्री फॉर्मूला बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द होल फार्मूला ओके इसको अगर देखो मान लो एम एन ओ फोर लिख रही हूं मैं एम एन ओ फोर माइनस तो इसको हम बैलेंस करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं के एम एन ओ फोर ओके नाउ दिस विल बी न्यूट्रल अभी इस पे चार्ज है लेकिन ये सेंस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया सो वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड वी हैड सीन नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड नंबर ऑफ फॉर्मुला यूनिट्स नाउ विल बी कैलकुलेटिंग वेट ऑफ द सैंपल ठीक है कि इतने सल्फेट में अगेन डू दिस ट्वेंटी थ्री बेटा है ना इसको ट्वेंटी थ्री कर लेना ओके वेट ऑफ सैंपल कितना होगा एन टू एस ओ फोर का वेट सिंपली कैलकुलेट करना है एन ए टू एस ओ फोर राइट चलो सोडियम का कितना होता है ट्वेंटी थ्री इंटू टू किया प्लस थर्टी टू प्लस बेटा सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर ओके चलो 46 सिक्स प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटी राइट एड करेंगे व्हाट डू वी गेट वन फोर्टी टू ओके कितना मिलेगा वन फोर्टी टू ग्राम्स नाउ ये जो वेट है ये वन मोल का वेट है ओके वन मोल का वेट है वन फोर्टी टू ग्राम्स पूछा क्या है कि इतने इतने आयंस में कितने प्रेजेंट हैं तो व्हाट इज दिस दिस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ओनली ना 6.02 पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दिस विल बी आल्सो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर यही तो हमने फॉर्मूला याद किया था वन मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकल मास विच इज इक्वल टू दी एवोगैड्रो नंबर तो दिस विल बी आर आंसर वन फोर्टी क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो ओके आई होप इज क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जीरो पॉइंट जीरो ऑफ कंपाउंड वेज वन ग्राम कैलक्यूलेट द मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड ओके मोलिकुलर मास बताना है कंपाउंड का एंड पॉइंट जीरो वन मोल ऑफ कंपाउंड का वेट दे दिया है वन ग्राम ठीक है चलो देखते हैं पॉइंट जीरो वन मोल वेट बेटा ठीक है पॉइंट जीरो का वेट कितना दिया है वन ग्राम ठीक है मोलिकुलर मास निकालना है मोलिकुलर मास निकालना है मतलब भाई भाई. ग्राम मास निकालना है भी. अब जीरो में वन ग्राम से हमें पता है वन मोल का निकाल लो तो हमें मोलिकुलर मास मिल जाएगा या ग्राम मोलिकुलर मास कंपाउंड है ना इसीलिए मोलिकुलर मास बोला है ठीक है वन मोल में कितना होगा दैट विल बी यार आंसर एक्स मान ले अगेन यूनिटरी मेथड से वील क्रॉस मल्टी मल्टीप्लाई पॉइंट जीरो एंड वील डू दिस देखो अभी हमने ये किया नाउ वील डू दिस वन ग्राम इन टू वन मोल राइट तो एक्स विल बी इक्वल टू ये वैल्यू यहां आ जाएगी है ना जीरो पॉइंट जीरो वन यस बेटा मोल मोल से मोल कैंसिल दो प्लेसेस का डेसिमल हटाए तो या हंड्रेड मल्टीप्लाई होगा बेसिक मैथ्स व्हाट विल बी गेट हंड्रेड इंटू वन ग्राम्रेड दिस इज आर आंसर फॉर मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड मोलिकुलर मास जब भी अगर बोले कि किसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो हमेशा हमें उसका ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना होता है दैट इज इक्वल टू वन मोल ऑफ द सब्सटेंस वन मोल यस आई होप क्लियर है चलो देख लो देन वील मूव ऑन ओके स्टूडेंट्स मूविंग ऑन सी क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज मैक्सिमम वॉल्यूम एट एन टी पी एट एन टीपी कौन सा स्पीशी सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा देखो अब दिस इज अ क्वेश्चन जो कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी बेटा वन मोल इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम अटोमिक मास या ग्राम फॉर्मूला मास जो भी इज इक्वल टू बेटा हाउ मच एवो नंबर एंड नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच टेल मी 22.4 लीटर्स ऑफ गैस ठीक है तो अब देखो लेट्स सी यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है वी हैव टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज मैक्सिमम वॉल्यूम एट एन टीपी वॉल्यूम टर्म इन है तो ये भी यूज होगा आप ठीक है चलो मैक्सिमम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है एट एन टी पी एज एन टी पी स्टैंड फॉर एन टी पी स्टैंड फॉर टेलमी ओके सी अब क्या करना है वी हैव टू कैलकुलेट कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा कौन ऑक्यूपाई करता है सॉल्व करते हैं फर्स्ट फर्स्ट के लिए देखेंगे एंड फिर यहाँ पर लिखते जाएंगे कि किसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है चलो फर्स्ट के लिए विक्स जीरो टू इंटू टेन टू द्वेंटी थ्री मोल्स ऑफ सी ओ टू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू टू मोल्स मोल्स बोला है बेटा ऑफ सीओ टू है ना यही बोला है यही बोला है जल्दी से बता दो इसको यहां पर करेक्शन कर लेना, इट इज़ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स ही होंगे मोल्स थोड़ी होंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू मतलब इसको मोल्स में हम निकाल लें ना इसको अगर हम मोल्स में निकाले देखो यहाँ पर पावर ट्वेंटी टू है ठीक है पावर ट्वेंटी टू है ट्वेंटी थ्री होता तो वन मोल होता ट्वेंटी टू है कम है तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड वी है ना इतने मॉलिक्यूल्स इतने एन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पॉइंट वन मोल अब हमें बताना है पॉइंट वन मोल में कितने लीटर्स ऑफ गैस है पॉइंट वन मोल्स में हाउ मेनी लीटर्स इज प्रेजेंट ठीक है पॉइंट वन मोल में हाउ मेनी लीटर्स इज प्रेजेंट देखो वी नो वन मोल में कितनी होगी बेटा वन मोल में कितने होंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स यस है ना तो पॉइंट वन मोल में कितने होंगे पॉइंट वन मोल में कितना होगा 22.24 टू पॉइंट टू फोर लीटर्स हाँ ना एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा जब एक्स करके सॉल्व करोगे दिस इज द वैल्यू 2.24 पॉइंट टू फोर लीटर्स या मैं लिख दू टू पॉइंट टू फोर लीटर्स ओके चलो बाकी आगे के लिए कैलकुलेट करते हैं ओके नेक्स्ट इज एट ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन second 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन राइट इसके मोल्स निकाल लें हम वन मोल में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है चलो जल्दी बता दो इसके पहले हम मोल्स निकालेंगे वन मोल में कितनी प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन टेल मी ऑक्सीजन इज ओ टू ना तो 16 ग्राम्स है 16 इंटू टू कितना 32 राइट तो वन मोल में मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन वेट 8 ग्राम्स अपॉन मोलर वेट दैट इज 32 कितना आ जाएगा वी हैव हाउ मच 0.25 टू फाइव मोल्स ओके तो ये कितना मोल्स है दिस इज इक्वल टू 0.25 टू फाइव मोल्स है ना ये कितना इक्वल था पॉइंट वन मोल के इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पॉइंट टू फाइव मोल्स यस इसके मोल्स कितने निकल के आए पॉइंट टू फाइव मोल्स है ना अब इसमें हम देखेंगे वॉल्यूम कितनी आ रही है चलो फटाक से देखो वन मोल में कितनी आती है 22.4 लीटर, राइट तो 0.25 मोल्स में कितनी आएगी 0.25 मोल्स में कितनी आएगी जल्दी से बताओ इट विल बी 22.4 टू पॉइंट फोर इन टू जीरो पॉइंट टू फाइव अपॉन वन ये इसको ऐसे कर लो अपॉन हंड्रेड कर लो फोर झा एंड इट एज फोर फाइव ज ट्वेंटी सिक्स ज ट्वेंटी फोर ओके फाइव पॉइंट सिक्स लीटर्स ये स्टूडेंट कितनी आई फाइव पॉइंट सिक्स लीटर्स क्लियर अब हम थर्ड के लिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ओके उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है 17 ग्राम्स ऑफ NH3. NH3 17 grams. Okay. Third question. ग्राम्स ओके थर्ड क्वेश्चन है ना नंबर ऑफ मोल्स निकालना है गिवन मासन मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास कितना होगा इसका एन थ्री का एन थ्री का कितना होगा नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा फोर्टीन यस प्लस हाइड्रोजन का वी हैव थ्री कितना हुआ सेवनटीन राइट right? तो सेवनटीन अपॉन सेवनटीन वी हैव वन मोल इजी हो गया क्वेश्चन ये तो अपना

सी, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर पॉइंट टू मोल्स ऑफ एन टू यहां पर सी हमें मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है तो, बेटा राइट पॉइंट टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बोला है हमें पता है वन मोल में कितनी होती है नाइट्रोजन वन मोल में नाइट्रोजन कितनी होती है जल्दी से बता दो बता दो जल्दी से वन मोल वन मोल में नाइट्रोजन कितनी होती है मोलिकुलर मास कितना है इसका वन मोल में नाइट्रोजन इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास ना इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास कितना है जल्दी फोर्टीन टू जार ट्वेंटी एट राइट ट्वेंटी एट होता है ग्राम्स तो वन मोल में ट्वेंटी एट ग्राम्स प्रेजेंट है तो पॉइंट टू ये ट्वेंटी एट ग्राम्स या आप कह लो दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना चलो आप एक बार ये कैलकुलेट ना भी करो तो वन मोल में लीटर्स प्रेजेंट है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली कर लो ट्वेंटी टू पॉइंट राइट तो पॉइंट टू मोल्स में कितनी प्रेजेंट होगी प्रेजेंट होगी एक्स तो वी कैन कैलकुलेट एक्स एज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स इंटू जीरो पॉइंट टू मोल्स अपॉन वन मोल है ना अपॉन टेन अपॉन टेन इसको भी कर दो वट डू बी गेट टू फोर जै टू टू जो फोर टू टू जो फोर अपॉन हंड्रेड जब आप हंड्रेड हटाओगे तो वट आर वी गेटिंग फोर पॉइंट फोर एट लीटर्स ओके फोर पॉइंट फोर एट लीटर्स इसके पॉइंट टू मोल्स जो कि ऑलरेडी गिवन थे इसमें कितनी प्रेजेंट है बेटा 4.48 पॉइंट फोर एट लीटर्स नाउ ह्यो क्वेश्चन क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपाइंग मैक्सिमम वॉल्यूम एट एन टी पी राइट तो मुझे बता दो किसमें दिख रही है मैक्सिमम 2.25, 5.6, 22.4, 4.48। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके बेटा चलो देख लो ये देन वील मूव ऑन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ब्रोमाइड आयन इन टू मोल्स ऑफ सी ए बी आर टू टू मोल्स बोला है नंबर ऑफ आय नंबर ऑफ आयन्स यहां पर अब आयन्स आ गया है तो किस चीज का यूज होगा एवोगैड्रो नंबर एंड मोल्स बोला है तो मोल्स मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है ये तो इस चीज का हम यूज करेंगे इन फॉर्मुलाज का चलो देखते हैं सोल्यूशन क्या है फाइंड द नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ब्रोमाइड इन टू मोल्स देखो वन मोल का पहले निकाल लो वन मोल में कितने होंगे वन मोल में कितने कैल्शियम और ब्रोमाइड आयंस होंगे बेटा वन मोल में कैल्शियम आय कितने होंगे वन इन टू है ना एंड वन मोल में ब्रोमाइड आय कितने होंगे दिस इज फॉर कैल्शियम ओके एंड ब्रोमाइड आय कितने होंगे बेटा सिंस ये दो है दो एटम्स हैं तो टू इन टू लिख दूं? दैट्स ऑल ठीक है वन मोल में तो इतने होंगे इज इट इज इट बेटा चलो अब मोल्स में निकालना है टू मोल्स में निकालना है तो क्या हो जाएगा ना? Okay? मोल्स में निकालना है तो इतना तो वन मोल के लिए है इतना तो वन मोल के लिए है बेटा टू मोल्स के लिए क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे ये वन मोल के लिए था तो हमने टू uh, मोल्स के लिए निकाले हैं, तो टू मल्टीप्लाई कर दिया है सिमिलरली यहाँ पर भी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके क्लियर दिस विल बी आर आंसर और अगर फर्दर निकालना है आंसर तो सिंपली एन की वैल्यू पुट कर देना एंड यू विल गेट इट यू विल गेट योर आंसर ओके देखो एन की वैल्यू पुट करने पर क्या आता है इसका करके बता देती हूँ टू इंटू एन की वैल्यू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू दार ट्वेंटी थ्री वॉट डू वी गेट टू टू जा फोर जीरो टू सिक्स जा ट्वेल्व ओके बेटा ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर इंटू टेन टू दी पार ट्वेंटी थ्री ओके इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो लिख लो वन पॉइंट टू डेसिमल आगे बढ़ा दो वन पॉइंट जीरो टू फोर इंटू टेन टू दी पार हाउ मच ट्वेंटी टू बेटा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ओके चलो इज फॉर कैल्शियम आयंस एंड ब्रोमेन के लिए भी सिंपली ब्रोमाइड आय के लिए भी ऐसी कैलक्यूलेट कर लेना Clear? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैलक्यूलेट मास ऑफ कार्बन एटम ओके कार्बन एटम का मास निकालना है एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेनजीन चलो देखते हैं मास ऑफ कार्बन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे है ना वी नो कि 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होता है 12 इजंट इट इजंट इट 12 ग्रामस होता है मास ऑफ कार्बन एटम बोला है एक एटम बोला है वन एटम का मास कितना हो जाएगा It will be 12 6.02 ठीक है इतने का मास 12 ग्राम्स होता है स्टेटमेंट है ओके दिस इज फॉर कार्बन एटम तो इतने कार्बन एटम्स 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं पड़ा है ना एवो कैडो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू तो ग्राम मोलिकुलर मास यस यहाँ क्या लिखा है मैंने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास ले लो चलो ग्राम एटॉमिक मास क्योंकि कार्बन एटम की बात हो रही है यस yes, बेटा तो वन एटम में ये तो इतने एटम्स हैं ना सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टेन टू दी पार्ट ट्वेंटी थ्री एटम्स सिंगल एटम के लिए क्या करेंगे ट्वेल्व अपॉन दिस ओके चलो तो इससे वील गेट आंसर समथिंग अराउंड 1.99 इनटू 10 नाइन इंटू टेन टू दार माइनस -23 ओके okay? देखो अगर इसको नॉर्मली uh, अगर आप राउंड ऑफ भी करो देखो 12 अपॉन 6.02 को सिंपली सिक्स भी ले लेते हो अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करने के लिए बता रही हूँ इंटू टेन टू दार ट्वेंटी थ्री वॉट डू वी गेट सिक्स टू जो ट्वेल्व राइट तो अब सिंस यहाँ पर यह कुछ ज़्यादा वैल्यू है तो ये वैल्यू कम आएगी ये ज्यादा वैल्यू है तो ये वैल्यू कम आएगी ना बेटा आंसर जब इसका निकालेंगे पूरे का तो वो कम आएगा तो दिस कैन बी रिटर्न ट्वेंटी थ्री जब ये ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है ओके तो वी हैव है देखो ऑलमोस्ट इक्वल है यस वन पॉइंट को राउंड ऑफ करके 2 भी तो लिख सकते हैं तो वही मैंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको बता दिया क्लियर ओके देख लो फिर सेकेंड पार्ट करते हैं चलो आई होप इतना क्लियर है अब क्या बोला है मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है ठीक है एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है चलो लेट्स सी सिंगल मॉलिक्यूल तो हमें पता है 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दी पार्ट ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या है सी सिक्स एच सिक्स ओके तो ट्वेल्व इंटू सिक्स विल बी सेवेंटी टू यस प्लस फॉर हाइड्रोजन तो वी हैव सेवेंटी सिक्स हाउ मच सेवेंटी एट ग्राम्स दिस इज द ग्राम मोलिकुलर मास है ना एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में सेवेंटी एट ग्राम्स ऑफ बेंजीन प्रेजेंट है बोला है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन निकालने का वन मॉलिक्यूल विल हैव कितना 78 एट बेटा बिटा नंबर दिस ठीक है 6.023 ओके यू विल गेट योर आंसर इतना समथिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यू ओके क्लियर ओके, आई होप इतना क्लियर है सबको आगे बढ़ते हैं ओके वट इज रिटन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एट ग्राम सी ओ टू वॉट वुड बी मास ऑफ सी ओ हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसका पूछा है सी ओ का वी आर गिवन सी ओ टू एंड सी ओ वट इज आज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 88 एट ग्राम्स ऑफ सी ओ टू सी सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे ग्राम्स ग्राम्स ऑफ ऑफ टू टू में बोला है ना कि हमें क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ओके चलो देखते हैं फोर्टी फोर ग्राम्स ऑफ सी ओ टू में ये फोर्टी फोर ग्राम्स ऑफ सी ओ टू मतलब कि वन मोल ऑफ सी ओ टू One mole of CO2 में ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं? देख लो पहले ये क्या मैंने सही लिखा है इतना समझ आ रहा है? है CO2 में, this is 44 grams is equal to one mole, जब इसका ग्राम मास निकालेंगे तो it will be 44 grams, है ना 44 grams of CO2 में इज फोर मोल दिस इज इक्वल टू वन मोल मोल में कितना होता है एवोगैड्रो नंबर लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के लिए सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी मल्टीप्लाइड टू क्योंकि दो एटम्स हैं यस yes, बेटा इतने वन इतने में हाउ मेनी डू वी इन टू एन ए दिस इज वन मोल एंड हाउ मच इज दिस दिस इज टू मोल्स भाई जाहिर सी बात है वन मोल में फोर्टी फोर ग्राम्स है वन मोल में फोर्टी फोर ग्राम्स है तो टू मोल्स में कितना होगा एटी एट ग्राम्स तो कांटा से वैल्यू जो है टू मोल्स के इक्वल है इट इज राइट तो टू मोल्स में देखो वन मोल में इतना देखो, फिर से देखो, में, yes, तो में कितना होगा टू मोल्स में हाउ मेनी ऑक्सीजन में है इतना तो वन मोल में है क्योंकि दो एटम्स हैं तो टू मोल्स में कितने होंगे टू मल्टीप्लाई कर देंगे

अभी तक इतना ही सॉल्व करो ओके okay? चलो ओके स्टूडेंट्स दैट्स फॉर टुडे डू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस दीज न्यूमेरिकल्स ओके इतने में अगर यू यू सॉल्व दीज राइट तो इनफ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा एंड देन सॉल्व मोर राइट आई हैव इंक्लूडेड ऑल दी पॉसिबल वेराइटीज जो एग्जाम uh, में पूछी जाती हैं ओके okay? चलो दैट्स फॉर टुडे लेक्चर We will continue with the same topic in our next lecture. For further updates, do like, share and subscribe to our YouTube channel.